दोस्तों एक बार फिर हम नेचुरल फार्मिंग में आर्या और बलिया डेयरी फार्म में हैं, और जो आर्या डेयरी फार्म का नाम था उसमें कुछ चेंजमेंट हुआ है, और देख सकते हैं कुछ खास नेचुरल चीज़ों के बढ़ावा के लिए, लोगों को जानकारी के लिए, आने वाले जो युवा है, भविष्य है, एक नए बदलाव के लिए इस क्षेत्र में जो कृषि सेक्टर है, एनिमल हस्बेंड्री है, हमारा बिहार और अरवल बहुत पीछे है, तो ये आप लोगों का सहयोग होगा, सर का सहयोग रहेगा तो बहुत जल्दी हम लोग बदल जाएंगे। जो हमारा पारंपरिक खेती रहा है सर, जो धान गेहूं चावल, क्या अनिवार्य है वही काम में आगे बढ़ना कि तो हम लोग बहुत पीछे है ना, गांव का एवरेज निकल गया है, जो एक बीघा में मुश्किल से धान से लोग को बचत हुआ है 6-7 हजार। 6-7 हजार धान की उत्पादन इनसे कम है, मैंने ऐप धर लिया था तो पता नहीं किसान को चला जी जी, और अगर पता भी चलेगा तो मजदूरा ज्यादा लगता है, संभव नहीं लग रहा है कि अब धान का खेती ज्यादा दिन हो पाए, नहीं हो पाएगा। तो पारंपरिक खेती में अब बदलाव का समय आ गया, एकदम आ गया है ना, पपीता हो गया, टमाटर हो गया, शिमला मिर्च हो गया, लेमन ग्रास हो गया, माने ईख हो गया, ईख हो गया, इस तरह से खेती करना अब एकदम अनिवार्य है। सर ये बताएं कि कितने कट्ठा में जो आपने अभी तो 5 कट्ठा में बीज ना अवेलेबल था, इसके लिए ऊंचा जमीन भी चाहिए जी जी। तो हमारा खेत तो फंस गया था, दूसरे पौधा लग गया था उसमें, धान उन रोपा गया था जी जी। हम 5 कट्ठा अभी लगाए हैं रेड लेडी ताइवान का, ये रंग तो अभी ठीक देखे ना, पपीता का ग्रोथ तो सही है। तो ताइवान का पपीता एक कैसे आपको महसूस हुआ सर, की जैसे दीपक जी बताया था समस्तीपुर समस्तीपुर का, इसका खासियत क्या पहले ये बताएं सर। खासियत इसमें पौष्टिक चीज है ये ज्यादा, और इसमें गुदा उदा जो है से लाल कलर का आता है अंदर का जी जी। खाने में भी बहुत स्वादिष्ट और मीठा भी है। इसका एक विशेषता है कि बिना माने कोई पैकिंग का आप रख सकते हैं, साधारण पैकिंग में 5 से 6 दिन तक, 6 दिन नहीं खराब होता, ये विशेषता इस जी जी। जैसे और पपीता है ना कि 24 घंटे अगर तोड़ लिए पक गया तो 24 घंटा के अंदर में खराब होने की स्थिति आ जाता है जी जी। इसमें ही बात नहीं। अच्छा, कितना हाइट होने के बाद फल देना शुरू करता है, जैसे मान लीजिए इस पपीता के पास आते हैं सर, हाँ तो दो फीट अढ़ाई फीट हाइट में फूल फल पर आ जाएगा, 2-2.5 फीट हाँ, हाइट में आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा सर, अब तो धूपा लग रहा है, बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा ना, बहुत 20 दिन के बाद देखिएगा इस सब का हाइट इतना आ जाएगा। अच्छा, मोटा हो जाएगा तना, अभी तो ये 5 दिन से तो ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ है ना, हमको थोड़ा लेट रोपाया, ठंडा के दिन में ना रोकना चाहिए, ठंडा से पहले रोकना चाहिए था, ठंडा में तो ये लोग को अब तक फल पर आ जाना चाहिए था। सर इसको रोपने से पहले क्या क्या सावधानी या क्या क्या जो खेत अच्छा से जोत दिए, कंपोस्ट बर्मिंग कंपोस्ट छोटा सा यूनिट अपना बना ले हैं, वही अभी घर का काम चल जा रहा है, उससे पेड़ पौधा में जितना देखिए कि केला अमरुद जो भी है से वो लगाए तो उसको भी डाले हैं उसमें जी जी। पपीता हो गया, चाहे घर का बैंगन टमाटर मिर्च जो भी होगा उसमें बर्मिंगर कंपोस्ट सब नेचुरल खाद का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया तो ये देख सकते हैं सर। ये जो सिंचाई का जो आपने पत्ती या सिस्टम, डीप सिंचाई है ये, डीप सिंचाई लगाया तो लगा कि इसमें हमको समय ज्यादा पानी माने 1 घंटा चलाते थे 1.5 घंटा जी, तो ये पूरा खेत पड़ता था, ज्यादा नमी पकड़ रहता है, पपीता में ज्यादा नमी की आवश्यकता नहीं है, पानी की आवश्यकता नहीं है, नमी रहे पानी न रहे, तो अगर ऐसे नेचुरल ढंग से पटाते हम लोग जो मोटर फिल्टर से पटता है इसमें पानी लग जाता था थोड़ा, अब जो है ड्रिप सिंचाई से तो देखिए जहाँ जहाँ पाइप है वहीं वहीं नमी है, जहाँ जहाँ पाइप है वहीं वहीं पानी, तो 20 से 25 मिनट चला देते हैं ना, 5 कट्ठा के पौधा पट जाता, अब पहले हमको 50 का 60-70-80 मिनट तक चलाने पड़ता था, 5 कट्ठा मतलब 1.5 घंटा चलाना, 1.5 घंटा तो उससे अब 20 मिनट में हाँ, जहाँ मान लें कि 500 लीटर पानी लग रहा है वहाँ 200 लीटर पानी में हो रहा है, 300 लीटर पानी में। सर ये सिस्टम सरकार के द्वारा आपने लिया है? हाँ, सरकार में या फिर नहीं, सरकार के द्वारा। कौन सा आत्मा है? आत्मा तो योजना है क्या है? हाँ योजना है, जिला बेसिस पर, जिला बेसिस में सब्सिडी मिलता है। सर ये क्रांति है मतलब फार्मिंग के सेक्टर में जिस तरह से आपको ये सब, देखिए अभी किसान बहुत कम लोग विश्वास करता है हमारे समस्या, और अरवल तो खैर बहुत पीछे है समझे ना, और हम लोग तो कोई चीज में रिस्क लेते हैं, रिक्स लेते हैं हाँ, हम तो पीछे हटने वाले बंदा है नहीं, कोई चीज देख लिया कि नहीं इसमें है तो हम लगा देते हैं। बहुत लोग आलोचना कर रहा है कि घर के 5 कट्ठा जमीन परी छोड़ दिए, अरे हम परी छोड़ दिए कैसे जी। कुछ करके कोई दिखाएगा तब भी पीछे से कोई चलेगा, रास्ता बनेगा तब होगा,
तो ये आपका जो योगदान है हाल फिलहाल में, माने गांव में सुभाष भाई भूतपूर्व मुखिया है जी जी, तो यही चर्चा कर रहा है कि उन्हीं को एक हिम्मत है जो नया कुछ करके दिखाते हैं और गांव के कुछ दिखा रहा है नया करके। ये आपका सुभाष भाई का, हाँ सुभाष क्षमता जो आपने जिस तरह से अपने आप को मजबूत किया है, क्योंकि यहाँ रूढ़ीवादी और पारंपरिक सोच वो यही दिक्कत है पूरे बिहार में। अगर कोई भी हम बारम्बार बात करते हैं कि कोई सेक्टर चाहे कृषि हो, खेती हो, बागवानी हो, जो बंदा कोई कहले है अगर वो आपको बता रहा है तो उसका बात सुनिए, बात सुनिए सुनिए, तब आप अच्छा और बुरा समझिए उसको कि हाँ ये अच्छा है कि बुरा है, तब ना फायदा और घाटा पता चलेगा। ये लोग ऐसी अंधविश्वास में कोई काम कर ले जो नौसिख आदमी है वो कुछ बता रहा है उसके पीछे 10 आदमी लटक जा रहा है जी, वो धोखा हो, धोखा हो एकदम निश्चित धोखा। तो रूढ़ीवादी और सर पारंपरिक सोच से ऊपर उठ के ऑर्गेनिक जो बदलाव वाले जैसे अलग अलग प्लांट्स हैं उसका उपयोग खेती में करना एकदम करना चाहिए, ये हर किसान को करना चाहिए, जरूरी। अब बदलाव का समय आ गया, अरवल का नहीं आएगा तो पीछे लोग रहेगा, नहीं आएगा तो पीछे रहेगा बिहार, बिहार आज देख लीजिए कई परसेंट सर्विस लग रहा है। तो मान लीजिए सर अगर आपने जो टॉपिक लाया है कि कई परसेंट सर्विस लग रहा है, सर्विस मान लीजिए कि 20 साल बाद ऐसा जो हम लोग का पारंपरिक वो है कि बाल बच्चे को ये गाइड कर देते हैं कि चलो भाई अब जो अथी हो गया बड़ा हो गया अब तैयारी करो आर्मी में जाना है अलग अलग जॉब में जाना है, जॉब लेने के चक्कर में 10-5 साल निकल जाता है लेकिन आधे को मिलेगा आधे को मिलता नहीं। हाँ तो ठीक है, तो जॉब खेती सेक्टर में आगे बढ़ सकता, जॉब के लिए चक्कर काटे लोग लेकिन अगर भाई देवी न लगा जी तो फिर इतना अपना दिमाग को मजबूत रखो कि हम इस सेक्टर में भी अच्छा कुछ कर सकते हैं जी। पढ़े लिखे व्यक्ति तो और अच्छा करेगा ना, हम लोग से अच्छा करेगा पढ़े लिखे लोग, जो इंजीनियरिंग क्षेत्र से जो बंदा रहा है या कोई क्षेत्र से आ रहा है तो हमसे ज़्यादा वो स्ट्रांग दिमाग का है, स्ट्रांग दिमाग का है, सच्चाई बात है बिल्कुल सर। तो ये सच्चाई आपने लोगों के बीच लाया है और ये देख सकते हैं बड़े स्तर पर एक अच्छा सा फार्मिंग करके सर हमारे दिलीप सर और अरुण सर काफ़ी एक्टिव है अरवल जिले के अंदर, जुनाठी में इनका घर हुआ अतौला जुनाठी, और इनके काम से दूर दूर से लोग यूपी से, झारखंड से, बंगाल से, शायद अलग अलग स्टेट से यहाँ देखने के लिए आते हैं कि जिस तरह से इन्होंने किसानी में एक सोच चेंज किया है कि मतलब खेती की तरफ लोगों का रुझान कम हो रहा है। धान का भी खेती है, बड़े भाई साहब करते हैं जी जी, जी तो हमारे समझ से हमसे तो ज्यादा उत्पादन कोई नहीं करता होगा धान जी जी दरमन में जी, सबसे अच्छा सबसे पहले हमारा धान भी रोपा जाता है, कटनी भी हो जाता है, हार्वेस्टिंग माने जितना काम है फास्टली करवा लेते हैं, फास्टली करवा लेते हैं, तब हमको भी लग रहा है कि नहीं खेती में उतना बचत नहीं, सबसे अच्छा खेती करते खेती पहले की है। अब हमारा भाई साहब भी मानते हैं अभी जी कि ना कुछ तो नया करना पड़ेगा, कुछ तो नया करना पड़ेगा, मजदूरा उसमें ज्यादा लगता है, मजदूरा मिलता नहीं जी, मिला तो अटपटंगा काम लोग करता है जी, न रहेगा तो आपको काम से ही नहीं होगा, बहुत बात है, प्रकृतिक प्रकोप है, अभी वर्षा हो गया मसूर के लिए क्षति, मसूर के लिए क्षति तो बहुत बड़ी बड़ी, ये सब पौधा के लिए उसका क्षति नहीं है, इस समय ग्रोथ होगा, हाँ ग्रोथ होगा। तो सच्चाई आप जो है लोगों का किसान के रखे हैं कि नजरिया चेंज करना होगा, सोच बदलना होगा, एकदम करना, तभी उनका भी तकलीफ दूर होगा और बिहार का भी किस्मत बदलेगा, यही एकदम करना। तो ये जो है पपीता जो है बोलते हैं कि सबसे कम खाद और केमिकल का आप जो है ना फ्रूट में या फल में उत्पादन में कम से कम खाद का इस्तेमाल होता है, केमिकल का होता है, जिससे सबसे सुरक्षित और कम रुपए में पपीता अच्छे से हर किसान या हाँ, पपीता सबका पेट भर सकता हाँ, है पपीता तो है, तो पौष्टिक भी है, इसमें खाद का भी कम इस्तेमाल होता है, हम तो खाद आती वर्मी कम्पोस्ट दे के रोपे थे जी जी, और फिर भूमि शक्ति छींटे थे उसमें, यही सब तो दिए हैं, दिक्कत तो नहीं दिखा रहा है सर। एक कितने 2 महीना में आपने बोला तैयार हो जाएगा, 2 से 2.5 महीना में जब से रोपाया है ना, अब मान के चलिए कि 1.5 महीना में इसमें फूल फल आ जाए, 1.5 महीना में फूल फल आ जाए, हाँ फूल फल आ जाए सर। इस कितने साल तक फरेगा, मान लीजिए 18-19 महीना तक इसका लास्टिंग रहता है, 18-19 महीना तक वो देते रहता है फल। अच्छा तो फिर चेंज करना है, वापस रिसाइकलिंग हो जाता है, कबार के खेत को अच्छा से जुतवा दीजिए, फिर दोबारा सब जोतने में कुछ है नहीं, पाइप को सेट कर देंगे फिर जुता जाएगा, ये तो फसल के माफी के एक फसल हटा दीजिए, काफी हाँ। काम एक ट्रक से कम ज्यादा कम तो माल इसमें से निकलेगा नहीं एक बार में, मुझे लग रहा है
एक ट्रक माल निकल जाएगा अगर तोड़ेंगे, 25-25 पत्ता निकल जाएगा, 60 से 150 केजी तक आ जाता है। 150 किलो बहुत ना होता है, 150 केजी तक एक पौधा से आ जाता है। अच्छा, इसका रेट भी अच्छा है, मार्केट में डिमांड अच्छा है। रेट मान के चलिए कि 15-20 रुपए से लेके 30-35 रुपए तक केजी रहता है। 30-35 रुपए केजी हर मार्केट में आजकल देख रहे हैं सर, पपीते का बहुत डिमांड। हर लोग को मांग है, हर लोग को मांग। ये बड़ा अच्छा। और सर इसका क्या दूरी कितना होना चाहिए लगाने का? 7x7 का गैप होना चाहिए। और ये सिंचाई का माध्यम देख सकते हैं, ड्रिप सिंचाई। ये बिहार में ड्रिप सिंचाई तो हम पहली बार देखे हैं, शायद पहला यूनिट हम हमारे नजर में कहीं कहीं है अभी, कहीं कहीं होगा, लेकिन हमारे एरिया में तो बहुत कम ही है। अरवल में तो बहुत कम है, बहुत कम, कोई है नहीं जो कर रहा है इसे ड्रिप सिंचाई वाला। कोई लिया होगा योजना तो उतना हमको तो नहीं लगता है कि धरती पे उतारा है उसको। बड़ा अच्छा टेक्निक के साथ है जो है अच्छे से जमीन का, बिहार का विकास में योगदान दे रहा है सर। युवाओं के लिए कुछ बोलना चाहते हैं कि फार्मिंग खेती की तरफ आना चाहिए या डेयरी सेक्टर की तरफ? दोनों लेके चलना पड़ेगा। बिना डेयरी के बागवानी नहीं हो सकता, बागवानी नहीं होगी या फार्मिंग होगी नहीं। तो जैसे जब तक गोबर नहीं आएगा जी जी, तब तक न बागवानी है सही जी न फार्मिंग। तो ये था जो है सर, इस पपीते का नाम एक बार सही से बता दे। ताइवान का वैरायटी है रेड लेडी, ताइवान का पपीता है, रेड लेडी नाम है और बहुत ही प्रसिद्ध है। और देखिए ताइवान से होते होते, इंडिया से होते होते बिहार तक आ गया है। अब बिहार में हमारे सर हैं अरुण सर, और वो अरवल में आया है, शायद अरवल में कुछ ही लोगों के पास होगा इसका जनरेशन। अरवल में तो अभी बहुत कम है, बहुत ना के बराबर है। और ये हमारे एक्टिव दोस्त हैं जो हम लोगों को भी सहयोग देते हैं, 2-4-10 पेड़ हम भी अप्रैल तक लगाएंगे, 50 पेड़ सर का सहयोग मिलेगा। ना, ना, ये तो हम देख रहे हैं ना, ये तो ट्रायल रूप में ना है, ट्रायल रूप का आप तो सक्सेस है, 80% तो हम सक्सेस ये लग रहे हैं अभी जी जी, 20% के अभी है फल वाला के बाद जी। तो हम तो बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, अब हम ही ना बढ़ेंगे जी, हमारे साथ 2-3 गो लड़कन है जो भी 1-2 बीघा एग्रीकल्चर में बढ़ जाएगा, करेगा निश्चित है। जैसे वही बंदा अभी खड़ा है जो साथ था जी जी, वो भी बढ़ेगा। तो ये बड़ा बदलाव आप बता रहे हैं कि सोच में, 4 गो लिखन के बढ़वाएंगे जी। बीज लेना कोई जरूरत नहीं पड़ेगा? तो सर नहीं, बीज तो लेना नहीं, खेती टाइप पे है, चेंज होता रहेगा इसमें बीज ना के बराबर। तो ये बाबू थोड़ा साफ कैमरा को दिखाइए सर के साथ कि ये जो इतना बड़ा एरिया में इन्होंने एक नेचुरल फार्मिंग के तरफ लोगों का आकर्षण पैदा किया। अभी ये शुरुआती स्टेज में है, अगर इस पपीते को बात किया जाए तो देख सकते हैं काफी ग्रोथ अभी नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआती चरण में है, आने वाला समय में 1-2 महीने में फल दे देगा और निश्चित दे देगा। अभी तो 2-4 दिन पहले अभी देख रहे हैं जी, अभी बर्मिंग कोड़वा के सब देवाए हैं, देखिए बर्मिंग सब बर्मिंग डाला देख रहे हैं ना, ये सब बर्मिंग दिए हैं, टोटल बर्मिंग है सब पौधा था, 1-2 किलो बर्मिंग दे के जी जी, और जड़ी से मट्टी थोड़ा थोड़ा हटा के जी, अब बर्मिंग मट्टी में मिला के दे के ऊपर से मट्टी ढक दिए हैं, मिट्टी ढक, अब ऊपर से फिर मिट्टी चढ़ेगा थोड़ा जी जी, जड़ी मजबूत हो जाए ताकि अब तो वजन बढ़ेगा, हवा हुआ चलेगा तो गिरने का भी डर रहेगा, तो हल्का हल्का मिट्टी चढ़ जाएगा जड़ मजबूत रहे जी सर। तो ये था नेचुरल फार्मिंग में ताइवान का पपीता रेड लेडी, जो विदेशों से होते हुए भारत तक इसका जनरेशन आ गया। सर इसका भारत में मतलब उनके थ्रू आया है, तो उन्होंने वैज्ञानिक वहाँ का क्या चेंजमेंट किया है जो अपने माहौल में इस गर्मी में भी हो जाए? हाँ, ये तो हो जाएगा। विशेष इसका दीपक जी है समस्तीपुर का जी जी, पपीते पर काम करते हैं, वो पपीते पर काम सब जगह बागवानी लगाते चलते हैं जी जी। उन्हीं के थ्रू हमको भी मान के चलिए कि बीज तैयार हुआ था, गाछी हम यही तैयार करेंगे जी जी और ले आके देंगे, लेकिन लॉकडाउन जो लगा ना जी, तो हमको तो 1.5-2 बीघा लगाना था, 1.5-2 बीघा लगाना था, थोड़ा सा लाए खेत में सब धान रोपा गया, लॉकडाउन जो लगा उस समय तो कहीं से आना जाना सब गाड़ी घोड़ा सब बंद था, तो हमारा बीज कह दिया कि तो हम तो आएगा नहीं, आप दे दीजिए किसी दूसरे को। तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर इतना पेड़ अगर सही में तैयार ही करने में फायदा है ना, कम कीजिएगा तो बिक। मार्केटिंग कहाँ देखते हैं सर? मार्केटिंग सब जगह, हर जगह, सब जगह, सब बेगूसराय से हम आ रहे हैं तो ट्रैक्टर से माल जाएगा एकदम, फोर व्हीलर जो जैसा कैपेसिटी का है उससे जाएगा। बेगूसराय से हम लोग आ रहे थे तो रोड के किनारे देखिए कि ठेला पे हिया हुआ खाली पपीते है, लोग मोटरसाइकिल कार रोके ले रहा है, खा रहा है वहाँ, पपीता खरीद भी रहा जी जी। हम लोग भी सोचे कि ले, बाकी फिर आगे बढ़े थे को मिल भी नहीं किया। तो ये था एक खास बातचीत अरुण सर के साथ आज, इनके हम पपीता तो ऐसा फार्म के तरफ खा लीजिएगा तो पानियों की आवश्यकता, खाने के बाद पानियों की आवश्यकता, उसमें इतना मैंने रस टाइप का ना है, सारा मिनरल विटामिन बहुत ज्यादा।
नमी ना होता। ये था कुछ खास बातचीत नमी। तो धन्यवाद।